हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, सो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम इस बॉन्ड को ड्राइंग से भी समझेंगे और मैं इन बॉन्ड्स को मिनी ब्रिक से भी बनाकर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, सो ब्रिक जो होता है ना, उसके इस वाले हिस्से को कहा जाता है स्ट्रेचर। बेसिकली स्ट्रेचर बॉन्ड वो होता है जिसमें फेसिंग में हमको सारे स्ट्रेचर दिखाई दे। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं प्लान। ये देखिए, ये है स्ट्रेचर, 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 और इस स्ट्रेचर में ये भी इस साइड से स्ट्रेचर ही होगा। ये है स्ट्रेचर, ये है स्ट्रेचर। ये फर्स्ट लेयर हो गई, और सेकेंड जो कोर्स है उसमें भी ये है स्ट्रेचर, 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 सारे के सारे स्ट्रेचर है। फर्स्ट वाला कोर्स ये आएगा, फिर सेकेंड वाला कोर्स ये आएगा, फिर ऐसे ही अल्टरनेटिव आता जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, लिखा है यहाँ पर प्लान 1:3:5, यानी कि ये जो एलिवेशन है इसमें फर्स्ट कोर्स आएगा ये वाला, फिर सेकेंड कोर्स आएगा ये वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये देख सकते हैं आप, सारे के सारे स्ट्रेचर्स है। जिस बॉन्ड में फेसिंग की तरफ सारे के सारे स्ट्रेचर आए उसे कहते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड। चलिए इसे सिर्फ मिनी ब्रिक से एक बार बनाकर देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है ब्रिक, हमने पहला ब्रिक रखा, ये दूसरा ब्रिक रखा, ये तीसरा ब्रिक रखा, ये चौथा ब्रिक रखा। आप जैसे कि देख सकते हैं सारे फेसिंग में है ना स्ट्रेचर्स है, सारे के सारे स्ट्रेचर्स है, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। अब इसको ऐसे करते हैं, मैं यहाँ से देखकर यहाँ बना रहा हूँ। ये हो गया स्ट्रेचर, ये हो गया स्ट्रेचर। अब इसकी जो ऊपर वाली लेयर आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। कभी भी है ना हम ब्रिक्स को ऐसे नहीं रख सकते, जॉइंट को कंटिन्यूसली नहीं रख सकते। जॉइंट, ये जो जॉइंट है ना उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाला ब्रिक आएगा कुछ इस तरह से, अगेन लाइक दिस, ये सारे स्ट्रेचर स्ट्रेचर रिपीट होंगे। ये देख सकते हैं आप। अब फिर जो है थर्ड लेयर कैसा आएगा, जो लेयर हमने फर्स्ट बनाया था वो आएगा थर्ड लेयर, थर्ड लेयर या थर्ड कोर्स। ऐसे ही ये रिपीट होंगी। ये वाला जो है फर्स्ट जो प्लान है वो ऑड कोर्स में वो आएगा, और जो सेकंड वाला है वो वाला आएगा इवन कोर्स में। आई होप कि आपको स्ट्रेचर बॉन्ड समझ आ गया होगा। ये देखिए, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे जो फेसिंग में है सारे स्ट्रेचर्स हैं, ये वाला स्ट्रेचर, ये वाला स्ट्रेचर, ये वाला स्ट्रेचर। ये हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा दिखा होगा। अगर अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।